दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या लिखना है। पेपर में बस इतना ही लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरूर अच्छे नंबर बना सकते हैं। आपको बस इतनी ही टिप्स बताई जाएगी जिससे आप अच्छे नंबर बना सकते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, किसी भी ट्रेड से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तीन क्वेश्चन आएंगे, आपको तीनों हल करने हैं। जब आप तीनों हल करेंगे तो ही आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं अभी रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वाइवा होगा उसकी बात नहीं हो रही है। तो रिटन एग्जाम में आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन ये आए, मेजर फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मशीन। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको लिखना है पेज के बीचों बीच प्रैक्टिकल 01, ये आपको पेज के बीच में लिखना है। उसके बाद आप पहला पॉइंट, हम पांच पॉइंट में इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो पांच पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, दूसरा होगा आवश्यक सामग्री, तीसरा होगा सुरक्षा सावधानी और चौथा होगा कार्यविधि, पांचवा हमारा होगा रिजल्ट। तो हम पांच पार्ट में इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य में आपको ये क्वेश्चन की लाइन है, इसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में आपको इस लाइन को लिखना है, डीसी मशीनों के फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध को मापना, ये आप लाइन लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आवश्यक उपकरण और सामग्री। इस उपकरण में आपको लिखने हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जितने भी इंपोर्टेंट उपकरण होते हैं, सामग्री होती है, वो आप सारी लिख दीजिए। फिटर की जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो लिखिए, तो आप लिख देंगे। प्रैक्टिकल चाहे एसी मशीन का आए चाहे डीसी मशीन का आए, आपको ये सारे लिखने हैं। यदि आपको कोई प्लस में आवश्यक उपकरण का नाम याद आता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इन 10 को जरूर लिखिएगा। अब ये 10 कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला आपको लिखना है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर हर प्रैक्टिकल में यूज होने वाला टूल है। दूसरा लिखना है स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर भी आपके रोज काम आने वाली वस्तु है, आप इसे जरूर लिखिएगा। वोल्ट मीटर, एमीटर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ और लैंप सारे प्रैक्टिकल की यूजफुल है, आप इनको कोई भी क्वेश्चन आई इनको लिख दीजिए। यदि आपको अलग से कुछ याद है तो वो भी लिखिए। अगला है इलेक्ट्रिशियन नाइफ, लैंप, पोकर, मल्टीमीटर और हैमर। आप चाहे तो एक और ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में फेज टेस्टर। फेज टेस्टर भी आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं और लिखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हर प्रैक्टिकल में फेज टेस्टर के बिना प्रैक्टिकल शुरू नहीं होता, तो इन 10 को जरूर देखिए। दूसरा आपका पॉइंट रहेगा यानी कि तीसरा पॉइंट है, पहला हो गया उद्देश्य, सुरक्षा सावधानी हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें आपको लिखना है वही सावधानियां जो आप हर प्रैक्टिकल करने से पहले रखते हैं। तो सबसे पहले आपको रखनी है, सबसे पहले मशीन की मेन सप्लाई ऑफ करें। यदि आप किसी मशीन को खोल रहे हैं, इसके पार्ट्स अलग अलग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मेन सप्लाई को काट देना है, तो ये आप बात लिखेंगे। दूसरे जितने भी कनेक्शन किए हैं वह कनेक्शन टाइट होने चाहिए, यदि ढीले कनेक्शन होंगे तो स्पार्किंग होगी, तो आपको कनेक्शन को टाइट करना है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है रीडिंग लेते समय विशेष ध्यान रखें, यानी कि आपने कोई मशीन की रीडिंग ली है तो उस सारणी में आपको विशेष ध्यान रखना है। परिपथ बनाने के लिए अनुदेशक की सहायता है। अब आपने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, यानी कि कोई भी काम करेंगे उससे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ट्यूबलाइट का काम किया तो ट्यूबलाइट का आपको एक सर्किट डायग्राम इस प्रकार से बनाना होता है। वो सर्किट डायग्राम आप बनाने के बाद उस अनुदेशक यानी कि अपने इंस्ट्रक्टर को चेक जरूर करवाइए। तो ये जब इंस्ट्रक्टर कह दे कि आपका सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है तो ही आप प्रैक्टिकल करना शुरू करें, वरना आप मशीन को जला सकते हैं। अगला है आपको उपकरणों को भली प्रकार से जांच लीजिए। मान लीजिए आपने टेस्टर लिया है और आपका टेस्टर खराब है तो आपको करंट लग सकता है। मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन प्लायर लिया है और उसका इंसुलेशन हटा हुआ है तो आपको झटका लग सकता है। तो आपको अपने इंसुलेशन को जरूर चेक करना चाहिए, उपकरण सही से है या फिर नहीं, टूटे फूटे नहीं लेने चाहिए, आपको चोट लग सकती है। वायर के इंसुलेशन को
अधिक न छीले, यानी कि आपको वायर को छीलना है। आपने ज़्यादा इंसुलेशन छील दिया तो भी आपको झटका लग सकता है। तो ये सावधानियां आपको हर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में लिखनी है। प्रैक्टिकल का ये जो मेन पार्ट है अब शुरू हुआ है, कार्यविधि। आपको तीन पार्ट्स लिखने हैं, वो बेसिक पार्ट्स है। अब चौथा मेन पार्ट यही है। यहाँ आपको क्या क्या लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाइए। मान लीजिए आप ट्यूबलाइट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ट्यूबलाइट का यहाँ सर्किट डायग्राम बनाना है। डीसी सीरीज मोटर का, संट मोटर का, एसी मोटर का, यदि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको यहाँ डायग्राम बनाना है। ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का यहाँ आपको डायग्राम बनाना है। समझ गए। दूसरी बात आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में लिखनी है। जो भी आपने डायग्राम बनाया है वो सारी बातें आपको 5 या 7 लाइन में लिखनी है। मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, आप अपने मन से लिखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके मन में जितनी भी भड़ास है वो सारी निकाल दीजिए, बस यानी कि तुक्के मार दीजिए। बात सिंपल ये है, आपको मशीन के बारे में 5 से 7 लाइनें लिखनी है। और अगली लास्ट आपको टॉपिक लिखना है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट आपको क्या लिखना है, उद्देश्य में जो लाइन लिखी है या तो वही लाइन या कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर आपने उद्देश्य में जो लाइन लिखी है वो लिखकर, उद्देश्य में जो लाइन लिखी है वही लिखकर आपको लास्ट में लिखना है सफलतापूर्वक किया। तो मान लीजिए इस प्रैक्टिकल के आपने उद्देश्य में लिखा है डीसी मशीन के फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध को मापा, तो आपको लिखना है डीसी फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध को मापने का कार्य हमने सफलतापूर्वक किया। इस प्रकार से आप लिखकर इस प्रैक्टिकल का दी एंड कर सकते हैं और आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट आपके हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल, वो आपको अलग से करवाएंगे ताकि आप उनमें भी अच्छे नंबर बना सकें। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है।